नमस्कार मित्रों, मैं पहाड़ी दाजू बलन मेहता आज आपको केमू गांव की सैर पर लिए चल रहा हूं। जी हां मित्रों, वही केमू गांव जो जिला बागेश्वर मुख्यालय से 80-85 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये खूबसूरत केमू गांव। जी हां दोस्तों, केमू गांव में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम केमू गांव को जा रहे हैं और आज हमारा सफ़र केमू गांव जाने से पहले जो गांव पड़ता है गुगिना, वहां से इस परथी गांव के तोक से हमारी यात्रा शुरू। और जैसा कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था, ज़िला बागेश्वर से आप कपकोट भराड़ी फिर सामा फिर लीती रातिर की ठीक गुगिना होते हुए आप केमू जा सकते हैं। तो हम इस समय गुगिना से हमारा सफ़र आगे को शुरू है और इस खूबसूरत हरे भरे खेतों और हरे भरे जंगलों के बीच से निकलते हुए हम इस समय गुगिना से केमू गांव को जा रहे हैं। आज हमारा केमू गांव को घुमक्कड़ी का प्रोग्राम है जहां हम लोग घूमने जा रहे हैं। और आप लोगों को इस खूबसूरत जगह, अगर कभी आपको यहां घूमने के लिए आना है, यहां के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले लेना है और आप घुमक्कड़ी का शौक़ रहते हैं, तो ज़रूर एक बार आप यहाँ के तरफ आने का, यहाँ के घुमक्कड़ी का प्रोग्राम ज़रूर बनाइएगा। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बोला, गुगिना गांव का परथी तोक गांव, जो गुगिना गांव से थोड़ा सा आगे परथी तोक पड़ता है, वहाँ हम लोग, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ है ये केमू गांव जाने के लिए। ये सामने पहाड़ी दिखाऊं तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से जो ये ब्लू और रेड कलर के थोड़ा सा आपको लोग चलते दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा जूम करूँ तो ये इस तरह से, ये देखिए, इस पहाड़ी से हमने ऊपर को जाना है। और अभी हम इस समय ये परथी रोड पहुँचे हैं। जो परथी रोड है ये नीचे आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ का जल स्तर आजकल ग्रीष्मकालीन दिनों में भी काफ़ी मात्रा में यहाँ जल रहता है, जो ऊपर के जंगलों से जो जल स्रोत होते हैं वहाँ से निकलकर और थोड़ा ऊपर से हिमालयों के हिम शिखरों से पिघलकर आने वाली नदी का समावेश इसमें होते हुए ये परथी रोड जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो एक साल पहले इधर कुछ बच्चे घुमक्कड़ी के लिए आए थे और वो नहाने लगे यहाँ पर। चार बच्चे युवा जो अभी अध्ययनरत थे, जवान बच्चे, इस नदी में उनका नहाते समय आकस्मिक निधन हो गया था। आपने सोशल मीडिया के माध्यम, समाचार पत्रों में कई बार देखा होगा। उन मृत आत्माओं को सत सत नमन श्रद्धांजलि उनको। और एक और सुझाव आपको, ऐसी जगह पर अगर आप कभी घुमक्कड़ी के जाएं तो बिना अंदाज के आप ऐसी जगह पर नहाना या स्विमिंग करना, इस तरह का जोखिम न उठाएं जो आपके लिए कभी आपकी जानलेवा हो सकता है। ये आपसे विशेष निवेदन। और इधर हमारा सफ़र इस परथी रोड से आगे, जब हम इस पहाड़ी में ऊपर को चढ़ेंगे तो मैं आपका यहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा जो थोड़ा सा नए लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, डरावना हो सकता है। और ये जो नदी मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर चौमास के दिनों में इसका जल स्तर अच्छा रहता है। तो ये जो मैं बता रहा था, ये पहाड़, ये चट्टान काट करके इस तरह से लोहे के एंगलों के सहारे से जो हम लोग इधर से हमारा ऊपर को चढ़ने का ये जो रास्ता है, सामने दर्शन तो हिमालय बुग्यालों के बहुत खूबसूरत बर्फ़ भी पड़ी हुई है, लेकिन इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हम जैसे घुमक्कड़ लोगों के लिए या नए लोगों के लिए जो घुमक्कड़ी के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत डरावनी जगह है, जहाँ से थोड़ा सा हर किसी के बस का यहाँ जाना संभव नहीं है। फिर भी खैर, जोखिम लेना चाहिए अगर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना है। ये देखिए, लोहे के एंगल बने हुए हैं और यहाँ से, हालांकि सुविधा रोज़मर्रा के जीवन में जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, वो उनके दिन प्रतिदिन का एक सामान्य दिनचर्या का आवो जावत के लिए ये रास्ता बना हुआ है, लेकिन घुमक्कड़ी के लोगों के लिए और जो ऐसे जैसे रास्तों में जिन्होंने कभी सफ़र नहीं किया, गई नहीं है, उनके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। और यहाँ की जो मातृशक्ति, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका ये दैनिक जीवन की प्रतिदिन प्रतिदिन की दिनचर्या में सम्मिलित ये लोग जौ काट करके ला रहे हैं और इनके लिए सामान्य दिनचर्या और सामान्य चीज़ें हुई इस तरह के रास्तों से रोज़ आना जाना और यहाँ से गुजरना। जी हाँ, ये जौ काट करके ला रहे हैं। और सामने दिखाऊँ तो ये नीचे ये नदी, यहाँ पर जो दिखा रहा था मैं, सामने परथी गांव
और यहाँ से गुजरते ये लोग ये गेहूँ जौ काट के ला रहे हैं। गेहूँ थोड़ा सा यहाँ ठंडी जलवायु है तो देर में पकते हैं, ये जौ पक गए हैं यहाँ। जौ का बालियाँ टोकरी में काट करके ये जो डंठल है नौवा ये गायों के चारे के काम के लिए लोग ला रहे हैं। और इस तरह के रास्तों से गुजरना, यहाँ से आना जाना यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सामान्य बात है। हमारे लिए थोड़ा सा नए लोगों के लिए ये थोड़ा डरावना हो सकता है। वाकई में डरावना हुआ ये, यहाँ से आम लोगों के लिए, घुमक्कड़ लोगों के लिए, बिना अनुभव के लोगों के लिए ये थोड़ा खतरा वाले रास्ते हैं। यहाँ से गुजरना उनके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनके लिए ये सामान्य दिन की दिनचर्या है। खैर फिलहाल हम अब केमू गांव को यहाँ से आगे निकल रहे हैं। इस खतरनाक पहाड़ को काट कर यहाँ से लोगों के आने जाने के लिए रास्ता और ये लोहे के एंगल नीचे से, ताकि कोई आकस्मिक किसी के साथ दुर्घटना ना हो। और सामने नज़ारा प्रति गांव और ये रास्ता, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए अब घुमक्कड़ लोग जो नई चीज़ों को ढूंढते, नई जगह घूमने का शौक़ रखते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, पर्यावरण से लगाव रखते हैं, जो इस तरह की खूबसूरत शांत पर्यावरण और ऐसे जगहों पर घुमक्कड़ी का शौक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए ये खूबसूरत जगह है। यहाँ आप आ सकते हैं और यहाँ का खूबसूरत, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ अब काफ़ी मात्रा में घुमक्कड़ी के लिए यहाँ पर्यटक आने लग गए हैं। और जैसा कि मैंने बोला, ये सामने परथी रोड जो ऊपर के जंगलों से थोड़ा, इसका जो जल निकासी होती है, जो जल स्रोत होते हैं, जल वहाँ से ये नीचे परथी रोड दिखाई दे रहा है आपको। और ये सामने परथी गांव जहाँ थोड़ा सा जौ पक गए हैं लेकिन गेहूँ अभी हरे हैं। तो मित्रों, अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप जिला मुख्यालय बागेश्वर से कपकोट भराड़ी सावा लीती रातिर कीठी होते हुए गोगिना, और गोगिना से आगे इस परथी रोड से ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से ऊपर को आप केमो गांव आ सकते हैं, जहाँ अभी आपको मैं लिए चल रहा हूँ। और इतने खतरनाक चट्टानों के बीच से और ऐसे पहाड़ियों से रास्ता काट कर इस जो परथी रोड है, यहाँ से ऊपर हम काफ़ी ऊपर चढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा थकान हो गई थी, सुस्ता रहे हैं। यहाँ का सौंदर्य का आनंद लेते हुए अब हमारा सफ़र आगे को बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बोला आपको, अगर आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ से आप हिमालय दर्शन कर सकते हैं, बुग्यालों को देख सकते हैं, यहाँ के सीढ़ीदार खेत और यहाँ के जो आबो हवा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ का जो पाथर और पटालों के गांव बाखई और यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन, यहाँ के जो दिनचर्या है लोगों के दिन प्रतिदिन के, उनके उसका आनंद लेने के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। लेकिन इस तरह के डेंजरस रास्तों से आपको गुजर कर केमो गांव को आना होगा। लेकिन इसका भी एक अलग एडवेंचर है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जगहों का शौक़ रखते हैं घुमक्कड़ी का, और ऐसी जगह का आनंद लेते हैं जो थोड़ा आनंदित होता है। और इधर इस तरह की जगहों से जहाँ यहाँ के दैनिक जीवन जीने वाले ये मातृशक्ति, जिनकी रोज़ दिन प्रतिदिन के जो रूटीन है, जो उनका कार्य है, वो इस तरह से पीठ में बोझा लेकर इधर से गुजरती हैं। और ये जो गेहूं के खेतों के बीच से गुजरते, हम अब थोड़ा बाखई के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। सामने आपको दिखाऊं तो ये नामिक गांव दिखाई दे रहा है, जो पिथौरागढ़ जिले का अंतिम गांव है। और ये नीचे नामिक गांव और केमू गांव को बांटने वाला वाली जगह रामगंगा का उद्गम स्थल यहीं से है। ये रामगंगा दिखाई दे रही होगी आपको नीचे। और ये सामने दिखाऊं तो मैं, ये सामने उधर हम ये गांव बाखई में पहुंच गए हैं धीरे धीरे केमू गांव के। और इधर से हम धीरे धीरे सुस्ताते हुए, हमारा थोड़ा अब थकान भी हो गई है, धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं। और अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो हम जितना ऊपर चढ़ाई में चढ़ें, थोड़ा सा हालांकि हम बुग्यालों में नहीं हैं, यहाँ हरा भरा जंगल है, यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, फिर भी थोड़ी सी यहाँ दिक्कत होती है चलने के लिए। और ये हम केमू गांव में पहुँच गए हैं। ये वो केमू गांव है जो, जैसा कि मैंने बोला आपको, बागेश्वर ज़िले का इस क्षेत्र का अंतिम गांव, जैसे भारत का अंतिम गांव जिल चमोली का माणा गांव बताया जाता है, जिसको अब प्रथम गांव का दर्जा मिल चुका है।
सौभाग्य हो इस केमो गांव का भी, इसको भी प्रथम गांव का दर्जा मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, जिससे कि यहां के लोगों का जनजीवन, यहां के लोगों का रहन सहन, यहां के लोगों के दैनिक जीवन में खुशहाली आए। तो हम लोग ये माड़ा सॉरी ये केमो गांव पहुंच चुके हैं। ये स्थानीय हमारी मातृशक्ति, थोड़ा इस तरह का इन्वायरमेंट रहता है यहाँ लोगों का, क्योंकि अब धूम्रपान जैसे करते हैं लोग यहाँ। हालांकि हम इसका, मैं मेरा चैनल या मैं इस चीज़ का इस चीज़ को वो नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ ठंडी जलवायु है और लोगों के दैनिक जीवन में ये सब कुछ चलता है यहाँ, तो बड़े चाव से ये लोग बड़े इंटरेस्ट से ऐसे तम्बाकू गुड़काते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो किसी ज़माने में अभी भी कई जगह पर लोगों का आदर सत्कार या उसका स्वागत करना हो तो आदमी इस तरह के कि चिलम और हुक्का और तम्बाकू गुड़गुड़ाते हैं और लोगों को उसके लिए बैठने को कहते हैं। और जब आदमी कोई चल रहा आदमी बटो ही कोई दिख जाता है, मिलता है या जा रहा होता है, तो ऐसे जैसे लोगों को लोग जानबूझकर बुलाते हैं, घर पर बिठाते हैं। और जैसा कि आजकल आधुनिक युग में, भौतिक युग के टाइम में लोगों की आवभगत कुछ अन्य मादक पदार्थों से करते हैं, तो लोग किसी ज़माने में अभी भी इन जैसे दुरुस्त क्षेत्रों में इस तरह की रीति है, अभी भी इस तरह के लोग एक दूसरे को ज्वाइन करने का, उनके साथ एक मेल मिलाप और उनके साथ बैठकर अपने सुख दुख को बांटने का एक तरीका अभी भी है। और ये जब हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि ये यहाँ क्योंकि ठंडी जलवायु है और ठंडा होता है यहाँ, तो इस तरह का चीज़ें उनके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, ऐसा भी बोला गया है। जब मैंने इनको ये जानने की कोशिश की कि आप ये लोग तम्बाकू जैसे आप पीते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा हाजमा सही रहता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो शरीर का तापमान कई बार होता है या जो भोजन खाते हैं लोग, शायद हो सकता है कि इसमें कुछ इसके अपने औषधि गुणों का या इनके चीज़ों का इनको फ़ायदा होता होगा। तो ये चीज़ें भी हमारे इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। यहाँ के लोग इसको बहुत आदर और सत्कार मानते हैं और अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में खान पान के साथ साथ इन जैसी चीज़ों को वो सम्मिलित करते हैं। ये इनका सामान्य जीवन में, सामान्य भोजन, सामान्य दिनों की दिनचर्या में ये सम्मिलित इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारी मातृशक्ति इनके चेहरे की इन झुरियाँ को पढ़ना अगर हम चाहें तो ये झुरियाँ यूं ही नहीं पड़ी इनके चेहरे में, ये उन्होंने उस जीवन को जिया है जो जिन्होंने अपने इस, शायद ये मेरे ख्याल से लगभग 70-75 वर्ष की उम्र की हो गई हैं माताजी हमारी, और उनके साथ साथ उनका भरा पूरा गांव का यह सामूहिक परिवार जो किसी के बाहर के लोगों के आने पर इकट्ठा होकर उनके साथ बैठकर अपने सुख दुखों को बांटते हैं और अपना अनुभव बताते हैं। और इनके जो रोज़ दिनचर्या होती है, इनके कार्य होते हैं, अपने नित नए कार्यों को संपादित करने के बाद एक साथ एक जगह बाखई में बैठकर अपना सुख दुख एक दूसरे को बांटते हैं। जी हाँ मित्रों, ये इंसानियत और ये भाईचारा और ये लगाव, यहाँ आबादी का घनित्व कम है इसलिए लोग बाग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपेक्षाकृत उन महानगरों के 100 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला या 25 मंजिला बिल्डिंगों में रहने वाले उन लोगों के आपसी एक साथ कई वर्षों तक रहने के बावजूद भी एक दूसरे को न जानना और न उनके साथ बातचीत न करना, उनके साथ कम्युनिकेशन या उनके साथ कोई वार्तालाप न होना एक सामान्य बात है। लेकिन गाँव में लोग जानबूझकर एक दूसरे के नज़दीक बैठते हैं, अपना दुख दर्द बांटते हैं, अपना खुशियां और अपना जो दैनिक जीवन में इनके जो प्रतिदिन प्रतिदिन का सुख दुख और इनके जो कार्य होते हैं उनको आपस में बांटते हैं और शेयर करते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब लोग बैठे होते हैं अपने घर में काम निपटाने के बाद, और अगर गाँव में कोई बाहर का घुमक्कड़ आ जाए या कोई मेहमान आ जाए तब तो इनकी बाहर इसलिए क्योंकि
बाहरी दुनिया से इन लोगों का लगाव बहुत कम रहता है, ये अपने ही दुनिया में, अपने ही परिवेश में, अपने वहीं के गांव के माहौल में ढले रहते हैं। तो कुछ जिज्ञासु टाइप के होते हैं, जानने की कोशिश होती है कि देश प्रदेश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, ये लोग क्यों आए हैं और क्या ये करते हैं। तो ये लोग एक तरीके से सामूहिक तौर पर ये इकट्ठा बैठकर एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और अपना अनुभव बताते हैं। ये देखिए माताजी बता रही हैं, थोड़ा सा भाषा का अंतर हो सकता है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, जो स्थानीय हमारा कुमाऊं में भाषाएं भी बहुत अलग भांति भांति की बोली जाती हैं, और जहाँ घाट घाट का पानी का टेस्ट बदल जाता है, जहाँ की घाट घाट की मिट्टी का रंग बदल जाता है, वहाँ बोली भाषा में भी बहुत अलग अलग भाषाएं होती हैं। हालांकि शब्द सामान्य रूप से एक होते हैं, लेकिन जो वहाँ की ट्यून होती है वही अंतर यहाँ के भाषा में थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो मित्रों बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पर, कभी अगर आप आना चाहें तो हिमालय के दर्शन तो आपको होंगे ही होंगे। यहाँ के हरे भरे जंगलों का आनंद, यहाँ के चिड़ियों की चहचकाहट, और उधर बुग्याल आपको अगर मैं थोड़ा दिखाऊं तो, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ बादल लगे हुए हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ के हिम शिखरों को और बुग्यालों को दिखाता। ये देखिए ये खूबसूरत केमू गाँव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये केमू गाँव है, और ये यहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं वो गायों को चराने के लिए, उनको चुगने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे एक तरीके का बुग्याल ही हुआ ये, क्योंकि अब यहाँ के आसपास थोड़ा सा पेड़ हैं, ट्री लाइन से थोड़ा नीचे का है जहाँ अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये गाय चर रहे हैं यहाँ पर, और अगर आपको बुग्यालों के दर्शन में थोड़ा कराऊँ तो सामने इधर ये देखिए ये नामिक गांव, और उसके ऊपर का बुग्याल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये नामिक गांव है, और इसके ऊपर वो बुग्याल हैं जहाँ भीड़ बकरियाँ जाते हैं चौमास के दिनों में। क्या कर रहे हो आप ये में इनका सुबह से शाम तक की दिनचर्या शुरू हो गई है, तो इस तरीके का जनजीवन यहाँ पहाड़ों में देखने को मिल जाएगा आपको। और सामने बुग्याल, सामने हिमालय, अभी हम कहाँ हैं, और इस हिमालय की तलहटी में बसा एक खूबसूरत प्यारा गांव, भारत का आखिरी गांव है ना। हिमालय आपको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा आज मौसम अच्छा नहीं है, सीन्स ऐसे हैं, इसके हिमालयों के दर्शन करा देता। मेरा अगला ब्लॉग आप लोगों के लिए हिमालय और बुग्यालों के लिए, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, आपको नामी गाँव सामने पर पहाड़। तो मित्रों हिमालय, आज हम केमू गाँव के इस बखई में हैं, जो सामने नामी गाँव दिखाई दे रहा है, ये केमू गांव में हम आज आए हैं। तो अगर आप यहाँ कभी घूमना आना चाहें तो ज़रूर यहाँ का प्रोग्राम बनाइएगा, और यहाँ के खूबसूरत गाढ़ गधेरे और यहाँ के हिमाल बुग्याव और यहाँ की खूबसूरत चीज़ों का दर्शन ज़रूर करने आइएगा। और मेरे इस YouTube चैनल पहाड़ी राजू के चैनल को अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा अपने मित्रों को आगे को सरका दीजिएगा। इस तरह के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की खूबसूरत वादियों को और यहाँ के कल्चरल और यहाँ के हिमाव बुग्याव और यहाँ के जनजीवन को और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आप ज़रूर एक बार केमू गांव आइएगा। और मैं पहाड़ी दाजू बलन मेहता के YouTube चैनल को आप अगर अच्छा लगता है तो अपने निकट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। केमू गाँव की इस खूबसूरत जगह से फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस आशा के साथ कि आप मेरा अगला आने वाला ब्लॉग भी देखोगे, जो मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के साथ साथ यहाँ की थोड़ी बहुत जितनी भी मुझे नॉलेज होती है जिसको बटोर कर आप तक लाने का प्रयास करता हूँ। आभार धन्यवाद आप लोगों का, और थैंक यू सो मच। आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा, और इस खूबसूरत लाटू देवता की भूमि से मैं बलवंत मेहता आपसे विदा लेता हूँ, इस खूबसूरत हिमालय के दर्शन से। नमस्कार, आभार, थैंक यू सो मच।
हैं।